मैडम जी, एक 10 मिनट में पहुंच जाएंगे हम लोग। ठीक है, कोई बात नहीं। जहाँ सदियाँ गुजर गई, वहाँ 10 मिनट और सही। जी, आपने कुछ कहा? नहीं, कुछ भी तो नहीं। मैडम, जो ऑफिस के वॉचमैन ने बताया था कि वो पता यहीं पर इस तरफ है। ठीक है, अब यहीं रुकिए, मैं आती हूँ। आएंगे कभी अपने यूं अजनबी होकर, ऐसा सोचा न था। हमारी बर्बादियों में होंगे शामिल, ऐसा सोचा न था। कहीं तुम्हारे हाथ तो नहीं जले ना? जब भी माजी याद आया है, हमने अपने आप को जलाया है। आह! तुम्हें जला तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं हुआ। अरे दिखाओ दिखाओ। नहीं, कुछ नहीं हुआ। साहिर, तुम्हें चाय बनाने भी नहीं आती? तो मतलब जिंदगी भर मैं ही चाय बनाऊंगा? तुम चलो, मैं आता हूँ। सुनो, मैंने कुछ लिखा है। ये तेरे दिल में उभरते सवालों की आहट है, या फिर जुगनुओं की मोहब्बत के जजीरे पर चमचमाहट है? ये इश्क की पहली बरसात है कि महज पत्तों की सरसराहट है, मैं नहीं जानता। ऐ इश्क, अब तू ही बता। ऐ इश्क, अब तू ही बता, जो तू आया है इस बेजार जिंदगी की मुडेर पर, तो मैं तेरा इस्तकबाल करूं या तू एक ख्वाब होगा, तेरे ख्वाब होने की आस करूं। ऐ इश्क, तू ही बता, तेरी इस खामोशी का मैं क्या करूं। कैसी लगी? हाँ, कैसी लगी? अच्छी है। चाय या मेरी शायरी? दोनों ही। क्या बात है मीरा, आज आपके मिजाज कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं। कहाँ, कुछ भी तो नहीं। कुछ तो बात है मीरा, तुम्हारी खामोशी आज तुमसे ज्यादा बात कर रही है। साहिर, पिताजी मेरी शादी कहीं और तय कर रहे हैं। बहुत खूब, तो फिर तुम यहां मेरे साथ क्या कर रही हो? साहिर, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और सिर्फ तुम ही से शादी करना चाहती हूँ। तो प्रॉब्लम क्या है मीरा, जाके कह दो अपने पिताजी से। इतना आसान नहीं है ना साहिर। मैं जानती हूँ मेरे पिताजी को, वो मेरी शादी किसी आईएएस ऑफिसर या बड़े बिजनेसमैन से कराएंगे। वो कभी नहीं चाहेंगे कि मेरी शादी कोई शायर या कोई पोएट से हो। अगर तुम ये बात जानती थी मीरा, तो तुमने प्यार करने के लिए एक शायर को क्यों चुना? चुन लेती किसी आईएएस ऑफिसर या कलेक्टर को? भी प्रैक्टिकल साहिर,
अगर पापा की जगह तुम होते तो तुम भी यही करते ना। अगर मगर लेकिन किंतु परंतु इन सबसे दुनिया की उलझने हल तो नहीं होती ना मीरा, ये तो बस दिल बहलाने के लिए बने हैं। साहिर ये शायरी की तरह घुमा घुमा कर मत कहो, शायरी कागज पर बहुत अच्छी लगती है और वो भी जब पेट भरा हुआ हो तो। पेट भरने के लिए पैसा कमाना पड़ता है। तुम्हारी शायरी की दुनिया बहुत खूबसूरत है, पर इस दरवाजे के बाहर जो दुनिया है जो सिर्फ पैसों से चलती है। जब लोग मुझसे पूछेंगे तुम्हारे पति क्या करते हैं तो मैं उन्हें क्या बोलूंगी? दुनिया, दुनिया क्या चाहती है, क्या सोचती है, क्या फर्क पड़ता है मीरा? मसला तो यह है तुम क्या सोचती हो, तुम क्या चाहती हो। साहिर, साहिर तुम जानते हो मैं क्या चाहती हूँ, पर बात यहाँ हमारे चाहने की नहीं हो रही है। और शायद मेरे पिताजी को हमारे बारे में पता चल गया है, वो मुझे दिल्ली भेज रहे मामा जी के पास। वहाँ उन्होंने मेरी सिविल सर्विसेज की क्लासेस भी लगाई है। और तुम तो जानते हो कि बचपन से मेरा सपना रहा है कि मैं बड़ी होकर एक आईएएस ऑफिसर बन सकूं। मैं कल ही जा रही हूँ। क्या? पर मैं एक साल बाद लौटूंगी साहिर। और ये बात तुम मुझे अब बता रही हो? साहिर मेरी बात समझो, साहिर, साहिर मेरी बात समझो, मेरा जाना बहुत जरूरी है। और क्या पता ये दूरियां हमारे मिलन का सबब बन जाए। मीरा, कहीं तुम्हारे ख्वाहिशों के सफर में हमारी मोहब्बत ना कुर्बान हो जाए। तुम वापस तो आओगी ना? आऊंगी, ठीक एक साल बाद आऊंगी। 5 अप्रैल को सुबह 8 बजे हम वहीं मिलेंगे जहां हमने हमारी मोहब्बत का इकरार किया था। मुझे माफ करना साहिर, मैं उस दिन आ ना सकी। माफ? मैं कौन होता हूं भला तुम्हें माफ करने वाला। और वैसे भी तुम्हारे माफी मांगने से मेरा माजी तो नहीं बदल जाएगा ना मीरा। बहुत इंतजार किया होगा ना तुमने। तुम्हारे इंतजार में मैं पूछता रहा कायनात से, हवाओं से, बादल से, फूलों से, बगिया से, हाँ हाँ उसी बगिया से जहां हम मिलने चाहते थे, कलियों से, भौरों से, जमीन से, आसमां से, कि कहां हो तुम? क्या उन्होंने देखा है तुमको? सब चुप रहे और सभी ने तुम्हारी ही तरह मुझे अकेला छोड़ दिया। वो सब छोड़ो मीरा, पहले ये बताओ मेरा पता कहाँ से मिला? तुम्हारी किताब से। ओह, ये तुम तक पहुंच ही गई। वैसे कैसे आना हुआ हमारे गरीब खाने पर? तुमने शादी नहीं की? नहीं। क्यों? बहुत नाराज हो ना तुम मुझसे? नहीं तो, और वैसे भी नाराज अपने होते हैं, गैर नहीं। अब मैं गैर हो गई तुम्हारे लिए? गैर तुम नहीं मीरा, मैं हो गया हूं तुम्हारे लिए। देर हो रही है, मैं चलती हूं। और वैसे भी तुम्हारे पति तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। कहीं और चल।
मैडम आप कलेक्टर है, इतनी बड़ी अफसर है, इसलिए पूछने से डर भी लगता है। लेकिन बुरा ना माने तो एक बात पूछूं। पूछिए। आप मंगलसूत्र पहनती है, मांग में सिंदूर लगाती है, पर कभी किसी ने आपके पति को नहीं देखा। दफ्तर में लोग तरह तरह की बात करते हैं। अगर हर सवाल के जवाब होते तो ये जिंदगी कितनी खूबसूरत होती। एक मिनट रुको मीरा, क्या तुम सच में मुझसे मोहब्बत करती हो? मीरा साहिर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और सिर्फ तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। जिंदगी में बस दो ही तो ख्वाब है, एक तुमसे शादी करना। सच मीरा? हाँ साहिर, और एक आईएएस बनना। तुम्हारे दूसरे ख्वाब का तो पता नहीं मीरा, लेकिन आज तुम्हारे पहले ख्वाब को पूरा की देता हूँ। कहते हैं मुझसे ये अहले चमन है, ये चमन है।